आज हम इस वीडियो के माध्यम से मार्किंग अटेंडेंस संबंधित जो ऑफिस ऑर्डर निकला है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रांच हेड सुबह मॉर्निंग मीटिंग में यह इंश्योर करें कि सभी स्टाफ द्वारा सुबह 6 बजे तक सेल्स ऐप में अटेंडेंस मार्क कर दी गई है तथा टेरिटरी मैनेजर के साथ में व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोग ब्रांच में प्रेजेंट है तथा जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका पालन किया जा रहा है। इसमें मुख्य बात यह है कि फील्ड में अब एब्सेंट अलाउड नहीं है। यदि कोई भी फील्ड स्टाफ एब्सेंट पाया गया तो उस पर कंपनी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी स्टाफ के पास में छुट्टियां हैं तो वह लीव अप्लाई कर सकता है और यदि किसी के पास में छुट्टियां नहीं हैं तो वह LWP अप्लाई कर सकता है। LWP का अर्थ होता है लीव विदाउट पे। LWP से फ़ायदा यह है कि वह स्टाफ एब्सेंट की कैटेगरी में काउंट नहीं होगा तथा उसकी स्टाफ ID जो है वह लॉक नहीं होगी। LWP लगाने से जो स्टाफ है इसका अर्थ यह है कि वह अपने सुपरवाइज़र को बता के LWP मार्क की है तथा उनके सुपरवाइज़र द्वारा उसे अप्रूव किया गया है, तो इससे क्या फ़ायदा है कि वह स्टाफ एब्सेंट कैटेगरी में काउंट नहीं होगा। सुपरवाइज़र को यह निर्देश भी दिया जाता है कि 24 घंटे के भीतर जब भी कोई भी स्टाफ छुट्टी या LWP अप्लाई कर रहा है तो वो या तो उसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। बस यह ध्यान रखिएगा कि इसे 24 घंटे के अंदर यह एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है, कोई भी पेंडिंग केस नहीं रहना चाहिए। LWP या लीव अप्लाई करने के लिए स्टाफ HRMS पे आके अटेंडेंस पे क्लिक करके लीव सेक्शन पे आके अप्लाई लीव के माध्यम से लीव लगा सकता है अगर उसके पास में छुट्टियां हैं तो, और अगर छुट्टी नहीं है तो LWP मार्क कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि कोई स्टाफ 2 दिन के लिए लीव या LWP मार्क कर रहा है तो वो यहाँ से वो डेट सेलेक्ट करें और नीचे राइट वाले साइन पे क्लिक करके यहाँ पे वो रीजन डाल के सबमिट कर देवें। जैसे ही वह ये एक्टिविटी करेंगे तो तुरंत उनके सुपरवाइज़र के पास में रिक्वेस्ट जाएगी और सुपरवाइज़र को यह निर्देश दिया जाता है कि या तो वह उसे अप्रूव करे या रिजेक्ट करे। ध्यान रखिएगा केस पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए अप्रूव के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। धन्यवाद।